हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। हर चीज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक पोएम है और लेसन नंबर 7 वो ओमिटेड है, वो हम नहीं करने वाले। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। कि दुनिया में हर चीज जो है कितनी ब्राइट, मतलब के चमकदार, मतलब के चमकदार नहीं, मतलब के जो दिखती है साफ साफ, है ना, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, कितनी ज्यादा जो है खूबसूरत है हर चीज। और कितने जो है सारी क्रीचर्स जो सभी हो गए हैं, कितने भी क्रीचर्स, हम भी क्रीचर्स हैं, जितने भी जिंदा जीव जंतु हैं वो सारे क्रीचर्स कहलाते हैं। क्रीचर्स कितने ग्रेट हैं और कितने स्मॉल हैं, कितने बड़े हैं और कितने छोटे भी हैं। बड़े देखिए, हाथी भी है, ब्लू व्हेल भी है, छोटा कितना है, चींटी भी है, और सभी छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो तो बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, इतने छोटे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर क्या बोले, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, कितनी समझदारी से दुनिया बनाई गई है और कितनी खूबसूरत तरीके से, और ये सब बनाया है ऊपर वाले ने। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। ये कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी गई हैं, कह रहे हैं कि ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, देखिए फ्लावर्स जो है ओपन होता है ना, जब खिलता है तो क्या होता है, उसके फूल के पत्ते जो होते हैं वो खिलखिलाने के लिए खुलते हैं। तो जो भी खुलते हैं फ्लावर्स, उनके ऊपर बात हो रही है, उनकी खूबसूरती के बारे में बात हो रही है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, जो भी छोटी छोटी चिड़िया है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो गाती हैं, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ऊपर वाले ने उन सबको रंग बिरंगे कलर्स दिए हैं, ग्लो करने वाले, मतलब के ग्लो का मतलब होता है खिलखिलाने वाले। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, ऊपर वाले ने उनके छोटे छोटे पंख भी दिए हैं उन्हें उड़ने के लिए। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। बोले कि सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है देखने में, कि आपके जो पहाड़ होते हैं, देखिए यहाँ पे पहाड़ जो है पर्पल कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स, और रिवर जो है वहां से गुजरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए रिवर कहाँ से आता है, हमेशा माउंटेन से ही आता है, माउंटेन में बारिश होती है और वहां से बहकर नदियां आती हैं नीचे समुन्द्र में मिल जाने के लिए। द सनसेट एंड द मॉर्निंग, कि सूरज का डूबना और सूरज का निकलना सुबह में, दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, कि जो खिलखिला देता है पूरे दिन को, मतलब सुबह का उजाला लाता है हमारे लिए। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them everyone. ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले ने बनाया वो सब कुछ, क्या क्या बनाया, सर्दियों की सर्द हवाएं, गर्मियों की वो खूबसूरत धूप, और फलों का पकना गार्डन में कितना अच्छा लगता है, ये सब ऊपर वाले ने बनाया। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. ये कह रहे हैं, ये कह रहा बच्चा, ये बच्चे कह रहे हैं कि उसने हमें दी है आंखें देखने के लिए इस दुनिया को, इस संसार को, उसके बनाए हुए सृष्टि को, ठीक है, मतलब कि पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए। And lips that we might tell, और हमें जो है होंठ दिए हैं ताकि हम कुछ उसके बारे में कह सकें, या फिर दूसरों को भी इस चीज के बारे में बता सकें, या उसकी खूबसूरती बयां कर सकें। How great is Almighty, कितना महान है ऊपर वाला। Almighty का मतलब वो जिसके पास सारी शक्तियां हो, मतलब कंप्लीट पावर हो, ठीक है। Who has made all things well, जिसने हर चीज को बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देखिए, ये पोएम किसने लिखी थी, सेसिल फ्रांसिस ने, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ने, जो 1818 से लेके 1895 तक रहे। वाज अ हिम राइटर एंड पोएट, हर बुक हिम्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन रीच्ड इट्स 69th एडिशन बिफोर द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। कि वो बच्चों के लिए किताबें लिखा करते थे, ठीक है, हिम्स नाम की किताब लिखी थी उन्होंने, ठीक है, और वो बहुत फेमस हुई, यहाँ तक कि 69th एडिशन तक आया उसका, मतलब सोचिए लगभग 69 बार जो है वो बुक रिपीट हुई साल दर साल।
तो सोचिए मतलब कितनी फेमस किताब होगी वो बच्चों के लिए। और फिर 19वीं सदी में जो है तब तक इतनी हो चुकी थी उसकी, 69th एडिशन तक आ चुकी थी। हर हाइंस लाइक ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल आर नोन बाय क्रिश्चियंस द वर्ल्ड ओवर, मतलब कि क्रिश्चियंस जो है उसे पूरी दुनिया में जाना जाता है क्रिश्चियंस के बीच में इस पोयम को। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ा ना हमने पोयम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल को, ये चीज क्योंकि काफी खूबसूरती से ये पोयम लिखा गया है और इसमें देखेंगे तो राइमिंग भी काफी अच्छी है और इसमें अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है हमें अपने नेचर को। आगे देखिए, इवेल्युएट योर सेल्फ में रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में एमसीक्यू है पहला आपका, गॉड हैज क्रिएटेड, क्या क्रिएट करा है गॉड ने, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल या फिर ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल या फिर ऑल थिंग्स वाइज एंड ब्यूटीफुल, तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ। सेकंड आपका, द गॉड ऑलमाइटी इज द क्रिएटर ऑफ, किस चीज, ऊपर वाला जो है किस चीज का क्रिएटर है, ओनली द फ्लावर्स, ओनली द माउंटेन्स, ओनली द बर्ड्स या फिर ऑल ऑफ द क्रिएचर्स एंड नेचर्स, तो जवाब है ऑल ऑफ द क्रिएचर्स एंड नेचर्स। थर्ड आपका, द सन एंड द विंड आर द क्रिएशन ऑफ, सन और विंड किसके क्रिएशन है, मैन के, क्रिएचर के, गॉड के, नाउ द अबव, तो गॉड के। फोर आपका, गॉड गेव अस आईज टू सी, ऊपर वाले में आंखें दी है क्या करने के लिए, फ्लावर्स एंड बर्ड्स को देखने के लिए, माउंटेन्स एंड रिवर्स को देखने के लिए, सनराइज एंड सनसेट को देखने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ आपका, अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड हैज गिवन अस लिप्स, के पोएट के हिसाब से ऊपर वाले हमें दिए हैं होंठ, टू शाउट चीखने के लिए, टू लिक चाटने के लिए, टू सिंग हिज ग्लोरी उसकी महान बातें गाने के लिए, या टू टॉक के बातें करने के लिए। तो देखिए ऊपर वाले ने हमें जो है हर चीज करने के लिए दिए हैं, वैसे तो ये सारी चीजें करने के लिए दिए हैं, पर इस चैप्टर में संदर्भ किस चीज का है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है कि ऊपर वाले की तारीफ करने के लिए कि इतनी सारी चीजें कैसे बनाई उसने, जो है ना इस बात पे कितना महान है ऊपर वाला, इस चीज को समझाने के लिए हमें होंठ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जोर दिया गया ज्यादा, तो ये इस पे हम सी पे लगा देंगे टिक, टू सिंग हिज ग्लोरीज। अब भी मैं देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, पहला आपका, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, सेकंड आपका, गॉड्स डैश आर लवली एंड वंडरफुल, तो यहाँ पे लिखिए क्रिएशंस, गॉड्स क्रिएशंस आर लवली एंड ब्यूटीफुल, ऊपर की बनाई हुई चीजें बहुत लवली और वंडरफुल है। थर्ड आपका, द डैश विद देयर वाइब्रेंट शेड्स वर मेड बाय गॉड, तो यहाँ पे होगा फ्लावर्स, द फ्लावर्स विद देयर वाइब्रेंट शेड्स वर मेड बाय गॉड, ऊपर वाले ने बनाई है वो रंग बिरंगे फूल है। फोर आपका, द बर्ड विद द लिटिल विंग्स आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड। फिफ्थ में, द सनराइज मेक्स द डैश ब्राइट, तो लिख दिया स्काई ब्राइट, ठीक है, आसमान को तेज कर देता है वो, मतलब उजाला कर देता है आसमान में, ब्राइट कर देता है। सी में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट आपका, मैन क्रिएटेड द फ्लावर्स एंड बर्ड्स हिमसेल्फ, तो फॉल्स होगा, नहीं मैन ने नहीं क्रिएट करी सारी चीजें, उगाते हैं मैन पर क्रिएट थोड़ी करते हैं, वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड चीजों को जो है दोबारा दोबारा जो है उसे रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब कि बीज डाल देते हैं वो खुद उग जाता है। तो आगे देखिए, मतलब बाकी सारी खाद वगैरह देते हैं उसकी देखभाल करते हैं, पर जो है क्रिएट तो गॉड करता है ना, मतलब अल्लाह करते हैं। और देखिए सेकंड जो है आपका क्या है, द रिवर्स रन बाय द साइड ऑफ माउंटेन्स, के जो रिवर है मतलब नदियां हैं वो बहती हैं बराबर से माउंटेन्स के, तो जवाब है ट्रू, ट्रू होगा यहाँ पे। थर्ड है आपका, गॉड हैज गिवन अस द सन्स ग्लोरी बोथ सनराइज एंड सनसेट, तो ट्रू के गॉड ने दिया है हमें सूरज का निकलना और डूबना और उसकी वो खूबसूरत चमक। गॉड है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग सीजन्स, गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है बदलते हुए मौसम के लिए, तो फॉल्स, नहीं वही रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ आपका, वी यूज आवर लिप्स टू प्रेज गॉड, तो दिस इज ट्रू। अब है डी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, पहला है आपका, व्हाट आर द थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड, क्या क्या चीजें हैं जो गॉड की क्रिएट करी हुई, तो इसमें लिख दिए आंसर, लिख दिए द होल यूनिवर्स विद ऑल द थिंग्स इन इट, ठीक है, मतलब पूरा ब्रह्मांड और हर चीज उसके अंदर की। सेकंड है आपका, व्हाट डिड गॉड गिव द फ्लावर्स, फ्लावर्स को गॉड ने क्या दिया, द गॉड गेव द फ्लावर्स इट्स कलर्स, ठीक है, कलर्स दिए गॉड ने फ्लावर को, इट्स कलर्स एंड स्मेल, ठीक है, स्मेल भी लिख दिएगा आप,
कि उसकी खुशबू भी दी और उसका जो है वो भी दिया, कलर भी दिया। थर्ड है आपका, व्हाट डिड द बर्ड बर्ड्स गेट फ्रॉम गॉड, तो लिख दिया दे आर विंग्स एंड कलर्स। फोर्थ में है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सीनरी, कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने सीनरी को, तो इसमें आप लिख देगा ही डिस्क्राइब्ड द सीनरी एज ऑल द थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड इज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, अब आगे आपका क्या है फिफ्थ में, व्हाट डज गॉड गिव अस इन दी विंटर एंड समर सीजन, तो इसका आंसर आप लिख देगा द गॉड गिव्स अस द कोल्ड विंड इन द विंटर एंड द प्लीजेंट समर सन इन द समर सीजन। ठीक है, मतलब सर्दी में जो है वो हमें सर्द हवाएं देता है और गर्मियों में एक बहुत ही प्यारा सा चमकता हुआ सूरज। देखिए ये मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला ही है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है व्हाई डिड गॉड गिव अस लिप्स, के ओवरऑल ने हमें लिप्स क्यों दिए हैं, होंठ क्यों दिए हैं, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो इसका आप आंसर लिख दीजिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरी डिक्टेशन आप उतार दिए। ठीक है, द गॉड आप लिखिए, गॉड गेव अस लिप्स सो दैट वी कैन टेल अबाउट हिज ग्लोरी एंड हाउ ब्यूटिफुल द थिंग्स आर दैट ही क्रिएटेड फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, गॉड गेव ग्लोइंग कलर्स टू द लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स एंड द लिटिल बर्ड दैट सिंग्स एंड हाउ ग्रेट ही इज दैट ही गेव अस आईज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल। बस यहाँ पे आपका आंसर ही खत्म होता है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सारे जो होमवर्क आप मुझे कंप्लीट करके सेंड कर दिए, बहुत छोटा सा चैप्टर था। ठीक है।